Assalamu alaikum viewers, thank you for clicking on the video. I am Bilal Chima from arkmarketing.pk. Viewers, आज मैं आपको जो house tour करवाने जा रहा हूँ, this house will leave you speechless. Full of surprised interior design and home decor aesthetics. It's 1.2 canal semi-furnished fully designer house in top-notch location of Bahria Town, Islamabad. Full of features, heighted location, swimming pool, home theater, huge rooms and bedrooms, designer bathroom, totally imported fittings and many more. 10,000 plus square feet built up area. Viewers, अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें ताकि किसी जरूरतमंद तक ये खूबसूरत डिजाइनर हाउस पहुंच सके। आइए इस खूबसूरत घर का हाउस टूर करते हैं और देखते हैं कि इसमें ऐसा डिफरेंट क्या है। पहले इसका स्ट्रीट व्यू ले लेते हैं। 50 feet वाइड हमें यहाँ पर इसकी स्ट्रीट मिलती है विद हाइटेड लोकेशन। ऑलमोस्ट तमाम घर ही हाई क्वालिटी मॉडर्न फ्रंट फसाड वाले हैं। मेन के ऊपर हमें ट्रेमेंटाइन का काम मिलता है और स्लाइडिंग गेट मिलता है। मेन रैम के ऊपर टफ टाइल का काम मिलता है, जहाँ पर हमें ऑलमोस्ट 2 cars की स्पेशियस पार्किंग स्पेस मिल जाती है और यहाँ पर हमें एक फ्रंट लॉन की एक ब्यूटीफुल क्यारी भी मिल जाती है और यहाँ पर एक खूबसूरत पाम ट्री भी लगा हुआ है। मॉडर्न फ्रंट फसाड है विद लुवर डिज़ाइन। ऑलमोस्ट 3 to 4 शेड्स यहाँ पर आ रहे हैं, चॉकलेट, ब्लैक, ग्रे और क्रीम कलर के अंदर नेचुरल ट्रेमेंटाइन स्टोन का। COB ड्रॉप लाइट्स है। व्यूअर्स, मेन गेट की बात करें तो ये स्लाइडिंग गेट है विद CNC कटिंग एंड डायगोनल लोअर डिज़ाइन और मेन पिलर्स के ऊपर हमें ग्लॉसी शाइनी टाइल्स के साथ ट्रिम्स का काम मिलता है बॉर्डर्स के ऊपर और बाहर हमें ट्रेमेंटाइन मार्बल के साथ CNC कटिंग के अंदर यहाँ पर बैकलेट लाइट्स मिल जाती हैं। इस घर का जो नाइट व्यू विजन है वो बहुत ज़बरदस्त है। कोशिश करूँगा कि वो भी मैं इसमें साथ वीडियो के एंड में एडअप कर दूँ। आइए अब ज़रा इसके कारपोर्च को देख लेते हैं। स्लीक लॉन्ग हैंडल्स, ज़बरदस्त, वेरी स्पेशियस कारपोर्च। ऑलमोस्ट 1, 2, 3 and 4 कार पार्किंग स्पेस है, उसके बाद भी हमें पार्किंग स्पेस की जगह बच जाती है। ब्यूटीफुल फॉल सीलिंग, सिंपल वुडन टेक्सचर्ड सीलिंग है। सामने हमें ट्रेवेंटाइन के साथ आर्टिफिशियल ग्रास का काम मिल जाता है। साथ साथ देखता जाऊंगा, बताता जाऊंगा, एक्सप्लोर करते हैं घर को। आर्टिफिशियल ग्रास और ट्रेवेंटाइन नेचुरल ग्रेन्स के साथ ये मार्बल यहाँ पर इंस्टॉल है। बहुत ज़बरदस्त स्टोन का डिज़ाइन बना हुआ है। 3 blades GFC का फ़ैन मिल जाता है। इस साइड पे हमें रॉक वॉल ग्राफी का काम मिलता है, ज़बरदस्त। और फ्लोर के ऊपर हमें वुडन टेक्सचर टाइल मिलती है, बहुत अच्छे। फ्रंट एलिवेशन के अंदर स्टार COB लाइट्स मिल जाती हैं, प्लांटर एरिया मिल जाता है, ये हॉरिजॉन्टल डिज़ाइन मिलता है। ये इसकी मेन एंट्रेंस विद ग्रेनाइट स्टेयर स्टेप्स और लेफ्ट साइड के ऊपर हमें ब्यूटीफुल एक कॉम्पैक्ट इंडोर लॉन मिल जाता है फॉर अ इवनिंग टी और अ कॉफ़ी। विंडो को चेक करें व्यूअर्स, बहुत ह्यूज साइज विंडो पैनल है फ्रॉम सीलिंग टू फ्लोर। लेकिन इसमें एक ख़ास बात मुझे नज़र आ रही है, ज़रा करीब से जाके देखते हैं ये है क्या। बड़ा मैट फिनिश के अंदर इन्होंने बहुत ज़बरदस्त गुलाई में जैसे गोले का काम हुआ हुआ है, ये मेरे ख्याल से UPVC शीट है और उसके ऊपर उन्होंने मैट फिनिश में ये सारा काम किया हुआ है। साथ हमें वुडन टेक्सचर टाइल्स मिल जाती हैं, इंपोर्टेड फैंसी लाइट्स के साथ, CCTV कैमरा स्क्रीन स्टॉल है और साइड गली। अच्छा व्यूज, इस घर की एक बहुत ख़ास बात ये है कि मेजॉरिटी कनाल के घरों के अंदर 2 side gali जो होती है वो छोड़नी होती है, लेकिन इसमें सिर्फ 1 side gali जो है वो छोड़ी गई है, विच मीन्स के उसकी वजह से यहाँ पर इसका जो बिल्ट अप एरिया है वो 10,000 square feet से भी ज़्यादा हो जाता है। मॉडर्न फ्रंट फसाड मिलता है, फॉर एवर ग्रीन टाइल्स का काम हुआ हुआ है, पेंट का नहीं, यानी कि बारिश होगी तो हर बारी ये सब कुछ न्यू हो जाएगा। और यहाँ से हमें पार्किंग स्पेस बहुत अच्छी मिल जाती है। ह्यूज जाइगेंटिक इसकी मेजमराइजिंग किस्म की इसकी एंट्रेंस है और एंट्रेंस के ऊपर हमें LED लाइट्स मिलती हैं विद वुडन सीलिंग वर्क, इस्लामिक कैलीग्राफी मिल जाती है। ह्यूज वुडन एंट्रेंस डोर मिलता है, ऑलमोस्ट 4x8 की 3 tile ये मुझे नज़र आ रहा है यहाँ पर इंस्टॉल्ड है और सारा वुडन टेक्सचर काम हुआ हुआ है। साइड पे फैंसी लाइट्स मिल जाती हैं और यहाँ पर ये ग्रेनाइट के स्टेयर स्टेप्स। जल्दी जल्दी व्यूअर्स, इसको करीब से मैं आपको दिखा देता हूँ। ये ऐश वुडन के डोर है जिसमें बेवल कट के अंदर ग्लास लगा हुआ है और स्लीक लॉन्ग हैंडल्स हैं। काफ़ी हैवी वुडन डोर है
और साइड पे भी यहाँ पर वुड वर्क हुआ हुआ है। ये इसका एक सीलिंग का और इनसाइड आउट्स का 360 व्यू, ब्यूटीफुल एंट्रेंस। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूअर्स, ये इस खूबसूरत डिजाइनर हाउस का एक ब्रीफ विजुअल इंट्रो। दिस ट्रिपल स्टोरी अनबिलीवेबल टॉप नॉच डिजाइनर हाउस इज प्रॉपरली डिजाइंड बाय एन इंटीरियर एंड एक्सटीरियर डिजाइनर फर्म। हाइटेड लोकेशन विद व्यू, डबल हाइट एंट्रेंस लॉबी, इंपोर्टेड फैंसी लाइट्स एंड शैंडलियर, मोर देन 10,000 स्क्वायर फीट बिल्ट अप एरिया, कंप्लीट इंपोर्टेड किचन्स एंड ब्रांड न्यू अप्लायंसेस विद वारंटी, 13 इन्वर्टर एसीज एंड 2 कैबिनेट एसीज ऑल अराउंड द हाउस, सो मेनी ह्यूज रूम्स विद जिम, स्विमिंग पूल, होम थिएटर एंड वेट बार काउंटर एंड मेनी मोर इनक्रेडिबल फीचर्स। स्पेशियस डिजाइनर बेडरूम्स विद अटैच डिजाइनर बाथरूम, ब्यूटीफुल कलर पैलेट्स के साथ सिमेट्रिकल डिजाइन पूरे घर में फॉलो होते नजर आएंगे। वन ऑफ द बेस्ट होम डेकोर एंड इंटीरियर डिजाइन एस्थेटिक हाउस फॉर सेल राइट नाउ अवेलेबल इन मार्केट। व्यूअर्स, फ्लोर प्लान भी इसी वीडियो में मैंने अटैच कर दिए हैं। इस घर के विजिट के लिए आप स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे डायरेक्ट कॉल कर सकते हैं। वीडियो का एंड तक जरूर देखिएगा और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। इस घर की डिमांड जो कि बहुत ही रीजनेबल है, और बाकी डिटेल्स मैं इसी वीडियो में आपसे शेयर करूंगा। आइए घर विजिट करते हैं। माशाल्लाह, डबल हाइट सीलिंग, डबल हाइट लॉबी, ब्यूटीफुल इंपोर्टेड शैंडलियर, टाइल वर्क ऑन वॉल्स। ये इसका इनसाइड आउटसाइड व्यू, ह्यूज टू द टॉप सीलिंग। यहां पर हमें एक ये वॉल मिल जाती है डिजाइनर, और इसके ऊपर मुझे लग रहा है ये इंपोर्टेड पेपर लगा हुआ है। ठीक है जी, वॉलपेपर साथ हमें ग्लास कट डिजाइन मिल जाता है, बैकलिट लाइटिंग मिल जाती है। ये स्टेयर्स जा रही है टू द फर्स्ट फ्लोर और ये स्टेयर्स जा रही है टू द बेसमेंट। सरसरी से इसका मैंने एक विजिट किया था और उसके बाद सारी चीज़ें मैं भी आपके साथ एक्सप्लोर कर रहा हूँ। ये इसका एक 360 व्यू, ये ड्राइंग रूम है, साथ डाइनिंग रूम है, वो टीवी लाउंज है, ये पाउडर रूम है, सब कुछ देखते हैं। स्टार सीओबी लाइट्स का बहुत खूबसूरत यहाँ पर एलिगेंट सिमेट्रिकल डिज़ाइन है जो फॉलो हो रहा है। फ्रंट पर भी हो रहा था, अंदर भी आपको नज़र आ रहा है और जगह पर भी लगता है होगा। यहाँ से हमें स्काई ग्लास एक सीलिंग मिल जाती है फर्स्ट फ्लोर की। ठीक है जी, और इसके साथ हमें यहाँ पर 3x6 की टाइल फ्लोरिंग मिलती है। ये टाइल में एक चीज़ मुझे ख़ास नज़र आ रही है, मैं आपको करीब से दिखाऊं तो ये देखिए, इसके अंदर एक शाइनी ग्रेन्स हैं। ये शाइनी ग्रेन्स बहुत ही प्यारे लग रहे हैं, ब्लैक मैट फिनिश के अंदर टाइल है और साथ छोटे छोटे शाइनी ग्रेन्स के डॉट्स हैं। ये इसका इनसाइड डोर, स्लीक हैंडल्स, हाई क्वालिटी हार्डवेयर, सो फॉर बहुत ज़बरदस्त। सामने जो हमें जितने भी डोर्स नजर आ रहे हैं, इसके ऊपर ग्लास कट टेक्सचर्ड ग्लास लगा हुआ है, वुडन ग्लास डोर्स है, बेवल कट के अंदर ये सारा ग्लास है। और आइए जल्दी जल्दी ड्राइंग रूम देखते हैं। अगेन 3x6 की टाइल है, डबल ग्लेज्ड UPVC विंडो है। इसे करीब से देखते हैं जी, बिल्कुल डबल ग्लेज है। ये इसका 360 व्यू, 2 5-liter फैन, शैंडलियर, कैनवुड के इन्वर्टर्स, AC इंस्टॉल है यहाँ पर। यहाँ पर एक सिटिंग एरिया या प्लांटर एरिया मिल जाता है, फुल ड्रॉप कर्टन्स हैं यहाँ पर वाइट कलर के, यहाँ से लॉन का व्यू मिल जाता है। इस साइड से ये इसका 360 व्यू, वो डाइनिंग रूम, और ये क्या है? अच्छा, यहाँ पर ये इन्होंने इस तरह कट करके एक सिटिंग एरिया बना दिया है विद आर्टिफिशियल ग्रास और ट्रेवेंटाइन का टाइल वर्क है, बहुत खूबसूरत, वेरी प्रैक्टिकल, मुझे बड़ा अच्छा लगा है। ह्यूज विंडो पैनल्स, वेल लिट घर है। अभी शाम का टाइम हो चुका है लेकिन फिर भी बहुत ज़बरदस्त यहाँ पर लाइटिंग है। ये एक जो सामने चीज़ नज़र आ रही है, ये क्या है? अच्छा, ये UPVC की हाई क्वालिटी शीट्स हैं जो यहाँ पर लूवर डिज़ाइन के अंदर लगाई गई हैं, जिसके ऊपर पेंट जॉब हुई हुई है। और ये हाई क्वालिटी यहाँ पर वॉलपेपर हमें मिल जाता है। ब्यूटीफुल सिंपल एलिगेंट फॉल सीलिंग, LED लाइट्स, यहाँ पर हमें एक डेकोरेशन पीस मिल जाता है, फायरप्लेस मिल जाती है, और इसके साथ ये टेक्सचर्ड वुडन ग्लास, ये सारा डाइनिंग एरिया हमारा आ गया यहाँ पर। और इसमें ये अगेन फिर एक इन्वर्टर AC इंस्टॉल्ड है, इम्पोर्टेड वॉलपेपर, और यहाँ से ह्यूज विंडो पैनल, और ये मेरे ख्याल से खुलते भी होंगे। एक दफ़ा इसकी खोल के प्रेजेंट, हाँ बिल्कुल खुल गया, तो यहाँ से भी छलांग मार के बाहर जा सकता है, लेकिन ज़बरदस्त यार, बहुत अच्छा, वेरी प्रैक्टिकल, सो फार अभी तक मुझे अच्छा लग रहा है। और ये इसके हार्डवेयर हैंडल देख लेते हैं करीब से,
हाई क्वालिटी हार्डवेयर हैंडल्स है, ज़बरदस्त, बहुत अच्छा काम है, फिनिशेस अच्छी हैं, मुझे बहुत पसंद आ रहा है अभी तक तो। जल्दी जल्दी आगे हम एंट्रेंस लॉबी में, इम्पोर्टेड शैंडलियर, इसको दोबारा डिफाइन कर देता हूँ, सीएनसी कटिंग के अंदर रेलिंग है और वर्सेचे डिज़ाइन की इधर साथ जो है वो दूसरे फुल बूटों वाले डिज़ाइन है। साथ हमें यहाँ पर एक टाइल मिल जाती है जो कि टेक्सचर्ड थोड़ी सी और ग्रेन्स के साथ मैट फिनिश में ये टाइल है। अगेन उसके ऊपर पूरे घर के अंदर ये बेवल कट के जो हैं मिरर, वो उसकी फिक्सिंग है, साथ पाउडर रूम है, ये हमें एक शोकेस मिल जाता है बड़ा प्यारा, और इसके ऊपर लाइटिंग है जो जल रही है। अच्छा, इसका पाउडर रूम देख लेते हैं जल्दी से, पाउडर रूम भी नहीं है तो फुल वॉशरूम है, माशाल्लाह ज़बरदस्त। ब्लैक के साथ गोल्डन बाउल, कोरियन ब्लैक है ये जो लगा हुआ है जो मुझे नज़र आ रहा है, और उसके साथ मिरर है, इसको ऑन करके देखते हैं। ओके, मिरर ऑन हो गया, ठीक है जी। ये इस तरह मिरर, जेट शावर्स हैं और 360 शावर भी इसे कहते हैं, कमोड मिल जाता है, ये इम्पोर्टेड टाइल्स हैं सारी, पूरे घर की वो टेक्सचर टाइल मिल जाती है, ये मैट फिनिश के अंदर पूरा जेट शावर है, इसको मैं आपको करीब से दिखा देता हूँ। और यहाँ से इसका इनसाइड आउटसाइड व्यू हो गया, तकरीबन 2 इंच थिकनेस के वुडन डोर हैं जो अभी तक मुझे नज़र आ रहे हैं, ठीक है जी। जल्दी जल्दी टीवी लाउंज में चलते हैं, माशाल्लाह वेरी स्पेशियस टीवी लाउंज, ब्यूटीफुल एलिगेंट फॉल सीलिंग, 2 5-blade फैन, शैंडलियर, एसी कैबिनेट, 65 इंच की ये लग रहा है LED है, और इसके ऊपर 6 cameras का व्यू आ रहा है, विच मीन्स कि यहाँ पर 8 का DVR जो है वो फिर इंस्टॉल्ड है। हाँ, ये 2 रह गए ना, ये 2 DVR, और हमें ये मिल गया यहाँ पर फायरप्लेस, इलेक्ट्रिक फायरप्लेस मिल जाती है, स्लीक इसके टेबल है जो बना हुआ है, मीडिया टेबल लोअर डिज़ाइन के अंदर, बैक साइड के ऊपर इसकी मीडिया वॉल, कैनवुड का अगेन, ये सारे वारंटी वाले चीज़ें हैं, इनके वारंटी क्लेम है इनके साथ, इनकी बुकलेट्स है, डबल ग्लेज UPVC विंडोज़, 2x6 की टाइल फ्लोरिंग है, मैं आपको करीब से दिखा देता हूँ। ये देखिए, सारी इम्पोर्टेड टाइल है, वेरी स्पेशियस, वेरी वेल लिट, ह्यूज विंडोज़ जो हमें फॉलो कर रही हैं। ये सामने आई थिंक स्टोर रूम है, डेफिनेटली स्टोर रूम ही होगा यहाँ पर, और साथ हमें इम्पोर्टेड फैंसी लाइट्स मिल जाती हैं। यहाँ पर अगर हम एल शेप के अंदर सोफ़ाज लगाएं तो बड़ा ज़बरदस्त एक सिटिंग एरिया बन सकता है, माशाल्लाह। अभी तक जो मुझे चीज़ें नज़र आ रही हैं, जो बिल्ट अप एरिया नज़र आ रहा है बहुत ज़बरदस्त, उसके साथ ही हमें फिर व्यूअर्स किचन मिल जाता है, इम्पोर्टेड किचन लग रहा है यहाँ से, ग्रे और वाइट के कम्बिनेशन के साथ, CNC कटिंग के अंदर यहाँ पर ग्रिल्स हैं। ये हमारा एंट्रेंस डोर था, इसके मैं आपको बटन्स जल्दी से पहले दिखा दूँ, बहुत ही अच्छे हाई क्वालिटी बटन्स हैं, हाई क्वालिटी इलेक्ट्रिक अप्लाइंसेस यूज़ की गई हैं। आइए जल्दी जल्दी किचन देख लेते हैं, किचन के अंदर हमें ओके, ये ग्लास किचन इस साइड पे मिल रहा है, ठीक है जी। डॉलेस का डबल डोर 4-door फ्रिज आ गया, अच्छा रेफ्रिजरेटर, और साथ ये एल्यूमिनियम ट्रिम्स के साथ स्टेनलेस स्टील की हमें ये कटलरी स्टैंड मिल गए, 2 ovens आ गए वेटी के, ठीक है जी। ये भी ग्लास ट्रिम के साथ ही है, ये मैं आपको दिखाता हूँ। ओके, बहुत अच्छा काम हुआ, फिनिशेस व्यूअर्स बहुत ज़बरदस्त है माशाल्लाह सो फार। ये इम्पोर्टेड टर्की शीट है ये वाली जो लगी हुई है, और उसके साथ हमें ये नीचे भी एक कैबिनेट एरिया मिल जाता है, अच्छा ये स्टोरेज के लिए ज़बरदस्त। यहाँ से ये टीवी लाउंज का व्यू, CNC कटिंग के अंदर टेबल मिल जाता है, थ्रू एंड थ्रू टोटल टर्की शीट का यहाँ पर काम हुआ हुआ है, 2 bowls का बेसन सिंक मिल रहा है, कोरियन का मुझे ये टॉप लग रहा है यहाँ पर किचन का ज़बरदस्त, और इसके इस साइड के ऊपर हमें बैक स्प्लैश पे भी हाई क्वालिटी इम्पोर्टेड टाइल्स नज़र आ रही हैं। वेटी का ही बर्नर हॉब है और वेटी का ही एग्जॉस्ट है, इसको ऑन करके देखते हैं, अगर ये ऑन होता है तो हो गया, तो ये इस तरह से इसका शोर आएगा, मैं बंद कर रहा हूँ। इसके साथ यहाँ पर हमें SOS सिक्योरिटी सिस्टम मिल जाता है, और साथ हमें शीट्स को ज़रा मैं खोल के देख लेता हूँ, ये कटलरी स्टैंड यहाँ पर आ गए, बहुत अच्छे हाई क्वालिटी चैनल, ये इसकी आपको एक प्रेजेंटेशन हो गई, ठीक है जी। ये नीचे वाला ड्रॉअर आ गया, काफ़ी स्पेशियस ज़बरदस्त, अगेन देखिए इसकी प्रेजेंटेशन, चैनल बहुत अच्छे यूज़ हुए हैं। ये इसके साथ इसकी कैबिनेट्स, हाई क्वालिटी ग्लॉसी शीट्स हैं,
और साथ में मुझे यहाँ पर क्या मिल रहा है, बहुत अच्छे हार्डवेयर हैंडल्स। अच्छा ये इस तरह है यार, ज़बरदस्त, वेरी प्रैक्टिकल, बहुत ही ज़बरदस्त। इसको ये कैबिनेट एरिया मिले, मेरे ख्याल से दो हैं यहाँ पर, ओके फाइन, हाँ टू कैबिनेट्स मिल जाती है। साथ हमें एक ग्रीसी किचन, डर्टी किचन मिल जाता है। यहाँ पर भी हमें 3x6 की सॉरी टाइल फ्लोरिंग मिलती है, 5 ब्लेड्स का फैन, फैंसी लाइट, यार कितनी ज़बरदस्त लाइट है। बेसिकली इसे शार्प लेज़र ब्लेड लाइट कहते हैं। ये सिर्फ यहाँ पर ही, ये देखें यहाँ से आपको व्यूज शो होगी, एग्जैक्टली यहीं पे भी, राइट लेफ्ट कहीं नहीं जाएगी। ये लेज़र ब्लेड लाइट है विद LED लाइट, ठीक है जी। फर्स्ट एड की किट हमें मिल जाती है। व्यूअर्स उस लिहाज से इस घर की डिमांड बहुत बहुत रीजनेबल है, स्टिल निगोशिएबल। ह्यूज विंडो पैनल्स मिल जाते हैं हमें, और ये स्लाइडिंग कर्टन आई थिंक है। वाओ यार, वेरी प्रैक्टिकल, जबरदस्त। अच्छा यहाँ पर थोड़ा सा कैबिनेट को देख लेते हैं ताकि इसकी एक प्रेजेंटेशन हो जाए हमारे पास। हाई क्वालिटी इम्पोर्टेड शीट्स विद MDF शीट्स, यहाँ पर जो मैट फिनिश के अंदर लगी हुई है, ऊपर भी शीट्स हैं। ओए होए होए जिंदाबाद यार, पूरे किचन के अंदर चीज़ें अकोमोडेट करने का तो मसला ही कोई नहीं, चक्कर ही कोई नहीं, इतनी ज़बरदस्त इसको किया गया। अच्छा जी आप आ गए व्यूअर्स हमारे पास, इसका डर्टी किचन, फ्रंट लोड वॉशिंग मशीन, प्री इंस्टॉल्ड डॉलेंस की 10 ईयर्स वारंटी वाली, अगेन कोरियन यहाँ पर मुझे नज़र आ रहा है, और इम्पोर्टेड शीट्स नज़र आ रही हैं, और ये ग्रेन्स के अंदर लग रही है। हाँ ये टेक्सचर्ड शीट्स हैं, ये भी इम्पोर्टेड शीट्स हैं। इसको खोल के देख लेते हैं, अगेन उसी तरह से विंडो मिल जाती है, डबल सिंक के साथ हमें ये इसका बेसन मिल जाता है, बैक स्प्लैश पे भी ब्लैक टाइल्स हैं, और ये इस तरह से, और ये जेस्चर वाला नैस गैस का आई थिंक वो चल गया यार, ये बंद करो शोर करेगा। इसके साथ हमें नैस गैस का ही बर्नर हॉब मिल जाता है, और ये इसके कटलरी स्टैंड्स। डर्टी किचन के अंदर ये हमें बैक साइड के ऊपर एक सर्वेंट एग्जिट एंट्रेंस डोर मिल जाता है, हाई क्वालिटी हार्डवेयर हैंडल्स। इसको बल्कि खोल के एक दफ़ा देख लेते हैं, ये देखिए इस तरह से, और इसके साथ ये विंडो पैनल मिल जाते हैं। ये डोर को हम बंद करते हैं, और इसके ऊपर भी हमें एनग्रेव्ड डिज़ाइन मिलता है, बहुत ही सॉलिड वुडन डोर्स है। अब जल्दी जल्दी हम लोग बेडरूम्स देख लेते हैं व्यूअर्स। ये हम किचन से गुजरते हुए टीवी लाउंज, ब्यूटीफुल फॉल सीलिंग, बहुत प्यारी लग रही है, ह्यूज विंडो पैनल्स के साथ। ये मैंने कहा था स्टोर है, और देखते हैं है क्या, ये वाकई स्टोर है, ओके फाइन। और उसके साथ हमें एक प्लांटर एरिया मिल जाता है, ग्लास कट डिज़ाइन के अंदर पूरी, बल्कि मिरर कट को इन्होंने बेवल कट किया हुआ है। ये वॉल मिलती है, इम्पोर्टेड शैंडलियर मिलता है, ब्यूटीफुल फॉल सीलिंग। राइट और लेफ्ट 2 बेडरूम्स हमें मिल जाते हैं, पहले राइट साइड वाले पे चलते हैं। माशाल्लाह ह्यूज साइज बेडरूम, ऑलमोस्ट इसकी भी 3x6 की यहाँ पर टाइल्स हैं, तो गिन लेता हूँ इसका रूम साइज बनेगा 1, 2, 3, 4, 5, तो ये हो गया जी 15, और 1, 2, 3, ठीक है जी 12, 18, यानी कि 15x18 इसका रूम साइज हो गया। ब्यूटीफुल फॉल सीलिंग, लेकिन 2-टोन के अंदर फॉल सीलिंग है, ये वाइट और ग्रे, और बड़े इसमें साइज की LED लाइट लगी हुई है, 5 ब्लेड फैन लगा हुआ है, ह्यूज विंडो पैनल मिल जाती है। थोड़ा हाइटेड है यहाँ से, बैक साइड के घर की आप नोट करें तो जो टॉप फ्लोर है वो इसकी ग्राउंड फ्लोर पे आ रही है, तो विच मीन्स के फर्स्ट फ्लोर से हमें व्यू बहुत अच्छा मिलने वाला है। डबल ग्लेज विंडोज, UPVC हीट साउंड प्रूफ, इसकी मीडिया वॉल, अगेन हाई क्वालिटी टर्किश शीट्स, और यहाँ पर भी वही ग्रेन वाली शीट्स यूज हुई हुई हैं, वहाँ पर भी डिज़ाइन, और ये UPVC की इम्पोर्टेड शीट्स हैं। इसे मैं करीब से दिखाता हूँ, ये डिज़ाइन बहुत प्यारा है, और चॉकलेट कलर के अंदर है विद गोल्ड ब्रास का सब कलर है ये, ठीक है जी। इसके साथ इसका ये अटैच वॉशरूम। सीलिंग की हाइट की अगर बात करूँ तो मुझे लग रहा है ये ऑलमोस्ट 12.5 फीट की हाइट है जो सीलिंग हाइट है, और डोर जो है वो 8.5 फुट पे लग रहे हैं, सॉलिड वुडन डोर है, एच वुडन डोर यहाँ पर भी। वाओ ब्यूटीफुल डिज़ाइनर वॉशरूम, कमाल इंटीरियर डिज़ाइनिंग, होम डेक्योर के लिहाज से ज़बरदस्त एस्थेटिक्स है। 2 बाउल्स के साथ हमें यहाँ पर वैनिटी मिल जाती है, और बाउल्स के ऊपर भी वर्साचे डिज़ाइन है। मेजॉरिटी मैंने जो देखे हैं वो गोल्डन बाउल्स देखे हैं, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा यूनिक है कि ये सिल्वर बाउल्स हैं, और इसके ऊपर हमें पोटा की सैनिटरी फिटिंग्स मिल रही हैं,
साथ इसकी ये शैम्पू और वो स्टैंड्स हैं, और इसको देखते हैं कितनी टोन है। ओके, ये सिंगल टोन के अंदर हमें डायगोनल मिरर मिल जाता है, ड्रॉप लैंप्स मिल जाते हैं, अच्छा ये शाइनी इधर टाइल्स हैं, ओ वाओ, किचन इसके वॉशरूम के अंदर ही हमें इलेक्ट्रिक फायरप्लेस भी मिल जाती है जो कि वर्किंग है और सही गर्मा गर्म हवा मार रही है, ज़बरदस्त। सब चीज़ें जो है सोफ़ा और बोर्ड टॉप नॉच है, हाई क्वालिटी मटेरियल पूरे घर में यूज़ हुआ हुआ है, वर्साचे डिज़ाइन के अंदर ही वॉल हम कमोड मिल जाता है, जुकूजी एरिया मिल जाता है, हैंड शावर के साथ कंसील्ड फिटिंग्स हमें यहाँ पर मिल जाती हैं। ये भी इम्पोर्टेड टाइल्स हैं जो लाइट ग्रे के अंदर यहाँ पर मिल रही हैं व्यूअर्स, आपको अगेन उसी तरह से वो स्लाइडिंग ज़बरदस्त, ये बहुत अच्छा फंक्शन है। टिश्यू डिस्पेंसर मिल जाता है कंसील्ड फिटिंग, यहाँ से आप इसका व्यू देखिए, ओके वार्डरोब भी यहाँ पर मिल गया, ओके ये सेपरेट ग्लास के लिए हमें ये इसको क्या कहेंगे टेक्सचर्ड थोड़ा सा इस पर पेपर लगा हुआ है, ये ग्लास मिल जाता है, और ट्रिम्स के साथ ये ह्यूज वार्डरोब है, मर्करी ग्लास है इसमें जो यूज़ हुआ हुआ है, और ये मैट फिनिश के अंदर, ये साउंड देखें इसके, और स्लीक लॉन्ग हैंडल्स हैं, सही है जी। कैबिनेट एरिया स्पेशियस, स्पेस का कोई मसला नहीं, ग्राउंड पे भी टाइल फ्लोरिंग मिल जाती है फ्लोर पे से, और साथ इसकी ये बड़ी प्यारी स्लीक हैंडल्स के साथ कैबिनेट्स हैं, बहुत अच्छा। ओके व्यूअर्स, अब जल्दी जल्दी सेकंड बेडरूम देख लेते हैं, इम्पोर्टेड फैंसी लाइट्स, सॉलिड वुडन डोर्स, इनग्रेव डिज़ाइन है इनके अंदर बहुत प्यारे। अब आगे हम सेकेंड बेडरूम में, ज़बरदस्त, ये बेडरूम का साइज उससे ज़रा थोड़ा छोटा लग रहा है, ये लग रहा है जी कितना है, 1, 2, 3, 4, और ये तकरीबन 13 by 1, 2, 3, 4, तकरीबन ये बन रहा है व्यूअर्स 13 by 16 या 18 का इतना साइज बन रहा है इस रूम का, उससे मास्टर बेडरूम से थोड़ा सा छोटा है, और उसके साथ ये इसका ह्यूज अटैच वॉशरूम, यहाँ से अगेन हमें 3 विंडो पैनल्स मिल रहे हैं, कैनवुड का हमें अगेन इन्वर्टर एसी मिल रहा है, 5 minutes फैन, ब्यूटीफुल डिफरेंट स्टाइल ऑफ फॉल्स सीलिंग मिल जाती है यहाँ पर हमें, और इसके साथ यानी कि वेल लिट बहुत घर है, शाम का वक्त है फिर भी ज़बरदस्त है। हैंगिंग पेंडेंट लाइट विद, ये क्यों नहीं जल रहा, इसको जला के देखते हैं, अच्छा ये यहाँ से जलेगा, ओके सॉरी व्यूअर्स, इधर हमें सिंगल कट के अंदर ग्रेनाइट है, या ये बल्कि कोरियन है, ये कोरियन की सिंगल कट के अंदर हमें वैनिटी मिल रही है बड़ी इंपॉर्टेंट लुक के साथ, वॉल एंड कमोड, सेपरेट शावर एरिया और रेन शावर है, और ये सिटिंग प्लेस है यहाँ पर मिल जाती, ठीक है जी। हैंगिंग इंपोर्टेड यहाँ पर लाइट्स है, 2-tone के अंदर यहाँ पर टाइल मिल जाती है कंट्रास्ट में ब्लैक और वाइट के, और अंदर जो उसका टेक्सचर्ड है वो बिल्कुल सेम ही है, ब्यूटीफुल फॉल्स सीलिंग, ज़बरदस्त डिज़ाइन सोफ़ा बहुत अच्छे लग रहे हैं मुझे, और अंदर ही हमें उसी तरह से कैबिनेट्स मिल जाती हैं, इसको मैं स्किप कर रहा हूँ यहाँ से, और आइए अब जल्दी जल्दी हम इसकी फर्स्ट फ्लोर देखते हैं, और उसके बाद हम लोग बेसमेंट में चलेंगे स्विमिंग पूल और होम थिएटर देखने के लिए। ये हम टीवी लॉन से गुजरते हुए आगे मेन लॉबी के अंदर, यार लॉबी मुझे बहुत पसंद है, ये व्यूज कमाल लॉबी है, यहाँ से इसकी स्टेयर्स जा रही है टू द फर्स्ट फ्लोर, ग्रेनाइट स्टेयर स्टेप्स, और ये CNC कटिंग के अंदर रेलिंग हमें मिल जाती है, प्लांटर एरिया मिल जाता है, ब्यूटीफुल फॉल सीलिंग, ये डिज़ाइन स्टैटिक्स बहुत अच्छे हैं, जल्दी 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 ऊपर स्टेयर्स पे चढ़ते हैं, ये ज़बरदस्त, यहाँ पर जो ये मैट फिनिश के अंदर ग्रेन्स के साथ ये जो टाइल यूज़ की गई है व्यूअर्स, ये बहुत ज़बरदस्त है, और इसकी फिनिशेस देखिए आप क्या कमाल फिनिशेस है, बेवल कट के अंदर ये मिरर है, और इसके साथ ये CNC कटिंग की रेलिंग, यहाँ से आपको लॉबी का एक व्यू मिल जाएगा 360, आप नोट करें होंगे कि बहुत स्पेशियस है, हर जगह बहुत खुला खुला फील हो रहा है, और वेरी प्रैक्टिकल है पूरा घर, तो उस लिहाज से इसकी डिमांड भी ठीक है, मुझे तो रीज़नेबल लगी, विच इज़ निगोशिएबल, अगेन ह्यूज विंडो पैनल मिल जाते हैं डे लाइट के लिए, अभी शाम का वक्त है फिर भी आप नोटिस कीजिए कि लाइट इतनी मध्यम नहीं है,
यहाँ पर हमें चॉकलेट कलर के अंदर टाइल फ्लोरिंग मिल जाती है, ये जो हमने नीचे से देखा था। स्काई वॉक एक छोटा सा मिल जाता है। अच्छा जी, प्लांटर एरिया है यहाँ पर, ग्रे के अंदर, लाइट ग्रे के अंदर वॉल है, साथ ये फुल किचन मुझे नज़र आ रहा है। ये इसका लॉबी के साथ कॉरिडोर्स जो रूम को कनेक्ट कर रहे हैं, और ये इस साइड से जो कॉरिडोर जा रहा है ये आई थिंक टेरेस को एरिया है। और ये बेडरूम, थर्ड बेडरूम, मास्टर बेडरूम, ब्यूटीफुल फॉल सीलिंग, थ्री ब्लेड फैन, कैनवुड के इन्वर्टर एसी, एक दो तीन, थ्री ह्यूज विंडो पैनल्स, यूपीवीसी डबल ग्लेज्ड। और ये यहाँ पर वॉलपेपर हमें मिल जाता है, इम्पोर्टेड फैंसी लाइट्स। और उसके साथ जो मैं आपको बताना चाह रहा था बाहर से, अब देखिए ये वो यूपीवीसी की शीट्स हैं जो बाहर से इन्होंने मैट फिनिश में ब्लैक की हुई थी, तो अंदर से ये वाइट है, बाहर से ब्लैक। तो विंडो पैनल बहुत अच्छे जिसे आपके फिनिशेस के साथ लग रहे थे वो यही वजह थी। डबल ग्लेज विंडो है, ड्रॉप कर्टन्स हमें मिल जाते हैं, हाइटेड यहाँ से व्यू मिल जाता है, वेल लिट एरिया। ये इसका 360 व्यू, उसके साथ इसके अटैच वॉशरूम। टाइल्स भी जो है ग्राउंड पे फ्लोर पे वो 3x6 की हैं। सॉलिड वुडन डोर्स, अगेन आपको नोटिस करवा देता हूँ कि 2 इंच थिकनेस के ये डोर्स हैं। यहाँ से लॉबी का व्यू भी मिल जाता है, इधर से बाहर निकल के आप देख सकते हैं कि कौन आ रहा है और कौन जा रहा है, ये देखिए। खैर एनीवे, हम जल्दी जल्दी इसका वॉशरूम देख लेते हैं। ये इसका अटैच वॉशरूम, रेन शावर यहाँ पर मिल रहा है, टाइल्स मिल जाती हैं 2-टोन के अंदर, वही मेरी पसंदीदा ग्रेन्स में टाइल्स हैं, कंसील्ड फिटिंग्स हैं, वार्डरोब एरिया है, ये ऑन होता है। ओके, इस तरह से ये इसका मिरर है सिंगल कट के अंदर, कोरियन की वैनिटी है ज़बरदस्त। और इसके साथ ये शावर एरिया, ये शावर का सिटिंग एरिया, कंसील्ड फिटिंग पोर्टा की, बाथरूम नीश यहाँ पर हमें मिल जाती है, वॉल हंग कमोड, ब्यूटीफुल फॉल सीलिंग, कैबिनेट वार्डरोब एरिया, जबरदस्त इंपोर्टेड फैंसी लाइट्स। व्यूअर्स अब जल्दी जल्दी देखते हैं दूसरे बाकी रिमेनिंग बेडरूम्स और किचन को भी देख लेते हैं। ये सेमी फर्निश्ड घर है, ऑलमोस्ट फुल फर्निश्ड ही है। आप लोग जिसने भी लेना हो वो जस्ट टर्न की है अपनी, बस घर लें और चीज़ें और सामान कपड़े शिफ्ट करें, बाकी तो सब कुछ यहाँ पर है। ये आ गया हमारे पास सेकंड अमेरिकन फुल किचन, ऑलमोस्ट फुली है, वैटी के बर्नर हॉब और एग्जॉस्ट मिल रहे हैं यहाँ पर, ग्लॉसी शीट्स हैं इधर लगी हुई ज़बरदस्त। और यहाँ पर एक सिटिंग मील एरिया भी मिल जाता है, कोरियन की टॉप्स है, 3 सिटिंग प्लेस है, इसको इंक्रीज भी किया जा सकता है। और मैट फिनिश के अंदर ही 2 डबल सिंक मिल जाता है यहाँ पर, और साथ हमें बाहर एक खूबसूरत सा प्लांटर एरिया मिलता है इन अ बालकनी। और ये यहाँ पर हमें लॉन्ड्री एरिया मिल जाता है, क्योंकि लॉन्ड्री के मुझे यूनिट नज़र आ रहे हैं, डबल ग्लेज्ड यूपीवीसी विंडोज। ये यहाँ से इसका 360 व्यू, इधर भी मुझे इंपोर्टेड शीट्स ही नज़र आ रही हैं जितनी भी सो फॉर। और ये इस तरह से इसकी आपको एक प्रेजेंटेशन हो जाएगी, बैक स्प्लैश के ऊपर भी ब्लैक विद चॉकलेट के ये सारी टाइल्स हैं, बिग साइज टाइल है, इम्पोर्टेड टाइल्स हैं जो सारी यूज हुई हुई हैं। फायर एक्सटिंग्विशर यहाँ पर लगा हुआ है जो मुझे नज़र आ रहा है, टाइल फ्लोरिंग ज़बरदस्त, ब्यूटीफुल फॉल सीलिंग, थ्री ब्लेड्स फैन। व्यूअर्स बहुत ही अच्छी फिनिशेज है यहाँ पर। फिर हमें कॉरिडोर में ये फोर्थ बेडरूम, यार इस बेडरूम का साइज बहुत ज़्यादा है व्यूअर्स। ये अगेन मास्टर बेडरूम है, ऑलमोस्ट 1, 2, 3, ये हो गया जी 18x1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 7.5, तो ये हो गया 23 ऑलमोस्ट 24 बल्कि 18x24 का इस रूम का साइज है। और ब्यूटीफुल फॉल सीलिंग, थ्री ब्लेड्स फैन, इन्वर्टर एसी यहाँ पर भी इंस्टॉल, ह्यूज विंडो पैनल विद अगेन स्मॉल विंडो पैनल, मीडिया वॉल। और इसके साथ ये लग रहा है मुझे अटैच वॉशरूम, जबरदस्त वार्डरोब हमें अंदर ही मिल जाती है, सिंगल कट के अंदर वैनिटी है। और ये अगर ऑन करके मैं देखूं तो इस तरह से ये इसका मिरर है, ड्रॉप लाइट्स हैं, हैंगिंग पेंडेंट्स,
ये सिटिंग एरिया वॉल हम कमोड, इसी तरह जल्दी जल्दी स्किप कर रहा हूँ, रेन शावर हमें मिल जाता है बहुत ह्यूज, यहाँ तो नहाने का मजा आ जाए, और कंसील्ड फिटिंग्स है। ओके फाइन व्यूअर्स, बाकी की रिमेनिंग देख लेते हैं। बेडरूम्स यहाँ से निकलते साथ ही हमें किचन का व्यू मिलता है, जिसको खाने पीने का शौक है उसको ये बेडरूम ज़्यादा सूट करेगा, रात को उठे और बस जो खाना खा लिए। ये हमें फ्रिज की और प्रोविजन की प्लेस मुझे समझ आ रही है यहाँ पर, ये वो जगह है, ये स्टेज जा रही है टू द रूफ टॉप, और बैक साइड पे भी हमें एक स्टोर का एरिया आई थिंक ये मिल रहा है अंडर द स्टेयर केस। ठीक है जी, काफी स्पेशियस स्टोर का एरिया है। वाओ व्यूअर्स, नाउ दिस इज स्टनिंग, व्यू चेक करें। पता नहीं आपको कैमरे में उस तरह से मैं दिखा पाऊं या नहीं, कमाल व्यू है। इसकी बैल्कनी में जाते हैं अभी। अच्छा ये हमारे पास आ गया इसका टीवी लाउंज, स्लीक मीडिया वॉल लूवर डिजाइन के अंदर, ये टोटली पैनल यहाँ पर जा रहे हैं रूफ सीलिंग पे। ठीक है जी, इन्वर्टर फैन, विंडोज यहाँ पर भी ह्यूज पैनल, ऑलमोस्ट ये 55 इंच की LED लग रही है मुझे प्री इंस्टॉल्ड यहाँ पर, और बैक लाइट, ये इसका 360 व्यू, साथ वो बेडरूम है, इधर जाकर देखना ज़रूरी है। लेकिन पहले बेडरूम देखते हैं व्यूअर्स, और उसके बाद ये बाहर टेरेस एरिया पे चलते हैं। लास्ट बेडरूम, ह्यूज बेडरूम, ऑलमोस्ट 16x18 इसका भी मुझे साइज लग रहा है, आइडेंटिकली है जो नीचे था। मीडिया वॉल, जल्दी जल्दी इसको स्किप कर रहा हूँ। कैनवुड के यहाँ पर भी इन्वर्टर, डिफरेंट स्टाइल ऑफ फॉल सीलिंग, 3 ब्लेड्स फैन, यार ये डिज़ाइन बहुत प्यारा है, करीब से देखना पड़ेगा, मजबूरी है। अच्छा ज़बर, ये UPVC शीट है और उसके ऊपर ये सारा कुछ, इम्पोर्टेड शीट्स आती हैं उसके ऊपर ये डिज़ाइन इनग्रेव्ड होते हैं, और ये साथ मीडिया वॉल, ये भी इम्पोर्टेड शीट्स हैं, साथ अटैच वॉशरूम, हैंगिंग पेंडेंट लाइट, वाओ, डबल वैनिटी विद गोल्डन एंड वाइट, और बैक साइड के ऊपर टाइल्स लग रही हैं विद सेल्फ प्रिंट, और यहाँ पर टेक्सचर डिज़ाइन है इसके अंदर, और साथ उसी तरह से हमें इलेक्ट्रिक फायर प्लेस, ये सेकंड जकूजी, और गोल्डन वाइट के अंदर वॉल हैंग कमोड, ब्यूटीफुल फॉल सीलिंग, और बहुत ह्यूज रेन शावर, तमाम वॉशरूम्स के अंदर रेन शावर्स थे। ये टाइल बहुत प्यारी है व्यूअर्स, चेक करें, बहुत ज़बरदस्त टाइल है, मैट फिनिश के अंदर है। ओके, यहाँ से इसका आपको 360 व्यू दे देता हूँ। कैबिनेट एरिया हमें इधर ही मिल जाता है, मर्करी ग्लास के साथ एल्युमिनियम ट्रिम्स है, स्लीक हैंडल्स हैं, स्किप कर रहा हूँ आगे जाके हम, क्योंकि मैंने टेरेस एरिया देखना है। इस रूम से भी व्यू मिल जाता है, सो ये रूम उसको सूट करेगा जिसको व्यू का शौक है। बहुत ज़बरदस्त व्यू है व्यूअर्स, बहुत हाइटेड लोकेशन पीछे वाले, यानी कि रूफ टॉप के ऊपर से तो बहुत कमाल व्यू आने वाला है। तो व्यूअर्स जल्दी जल्दी जाते हैं और चलते हैं। इसका सिक्योरिटी अलार्म सिस्टम पूरे घर में इंस्टॉल है, CCTV कैमराज मैं आपको बता चुका हूँ, और इसको खोल के देखते हैं। ओके, खुला हुई है, वुडन टेक्सचर टाइल है, डार्क कलर के अंदर, चॉकलेट कलर के अंदर प्लांटर मिल जाता है, CNC कटिंग के साथ मुझे यहाँ पर ये रेलिंग नज़र आ रही है, जो कि ऑलमोस्ट मैं आपको बता देता हूँ 2.5 फुट ऊँची है, साथ इधर भी प्लांटर एरिया मिल जाता है। अब यहाँ से आप थोड़ा सा व्यू देखिए, और फिर मैं आपको रूफ टॉप से भी इसका व्यू खुद भी देखूँगा, आपको भी दिखाऊँगा, कमाल व्यू है। अच्छा जिस तरह आप ये देख रहे हैं यहाँ पर, ये इधर से विंडो पैनल देखिए, टोटली वेस्टर्न लुक, जितना भी मैंने यूरोप में देखा है एग्जैक्टली लग्जरी हाउसेस की ये वही सेम लुक है यहाँ पर भी जो दी गई है। कमाल डिज़ाइन एस्थेटिक्स है, व्यूज़ मुझे बहुत पसंद आए हैं। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, अभी तक मेरे 90% जो व्यूअर्स हैं, व्यूअरशिप, वो अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ उन्होंने। इतना कमाल घर बहुत ही कम मार्केट में आता है, और इतनी रीजनेबल डिमांड के अंदर। अभी हमने बेसमेंट देखनी भी है, चलते हैं इस घर की बेसमेंट की तरफ, पहले वो देख लेते हैं। स्टार COB लाइट्स यहाँ पर, अगेन लॉबी में जो मुझे चीज़ बहुत 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 पसंद आ रही है वो इनकी टाइल फ्लोरिंग है, जो कि लॉबी में मैं आपको दोबारा दिखाना चाहूँगा, मैट फिनिश के अंदर यहाँ पर शाइनी ग्रेन्स है उसके अंदर, ज़रा गौर से देखिए, पता नहीं कैमरा में नज़र आते हैं या नहीं, कमाल मैट फिनिश के अंदर टाइल लगाई है, डिज़ाइन एस्थेटिक्स बहुत अच्छी हैं। ये स्टेज जा रही हैं टू द बेसमेंट, अगेन उसी तरह से वही इम्पोर्टेड टाइल यहाँ पर लगी हुई है, बहुत अच्छी फिनिशेज हैं, बेवल कट के अंदर मिरर मिल जाता है,
अच्छा जी, सीएनसी कटिंग के अंदर रेलिंग है वर्साचे डिजाइन के साथ, और यहाँ से हमें प्लांटर एरिया मिल जाता है, और जो मुझे नजर आ रहा है ग्रेनाइट स्टेयर्स, और गुजरते हुए ये गेन वही हाई क्वालिटी टायर्स। वाओ, नीचे जिम आ गया। ओके फाइन, जिम, और ये साथ हमें इंपोर्टेड वॉलपेपर मिल जाता है। जिम एरिया आ रहा है जी, 3x6 यहाँ पर भी टायर, स्टार सीओबी लाइट्स, ब्यूटीफुल फॉल सीलिंग, 3 ब्लेड्स फैन, और ये इसके साथ एक वॉशरूम, और स्टेयर केस के भी नीचे मुझे जो नज़र आ रहा है वो क्या, ये ऑन करके देखूँ है क्या। ओके, यहाँ पर भी एक स्टोरेज स्पेस मिल जाती है। ज़बरदस्त व्यूअर्स, दिस हाउस इज रियली फुल ऑफ सरप्राइजेज एंड रियली लीव्स यू स्पीचलेस। वाओ सोना। ओके, यहाँ पर इसका अटैच वॉशरूम, और इस तरह से इसका ये मिरर, साथ जेट शावर्स, वैनिटी कोरियन के अंदर ग्रे कलर का, बहुत जबरदस्त फिनिशेस है व्यूअर्स, पूरे घर की कमाल डिजाइन एस्थेटिक्स बहुत अच्छे हैं। ये इसमें सोना आ गया, और ये इसका वॉशरूम, इसके साथ जिम, और ये मिरर्स आ गए बेवल कट के अंदर, स्टार सीओबी लाइट्स व्यूअर्स। हाय, यहाँ तो मेरा दिल रह गया व्यूअर्स। जरा स्विमिंग पूल चेक करें, इन हाउस स्विमिंग पूल, एंड द बेस्ट पार्ट इज इन माय पॉइंट ऑफ व्यू कि यहाँ पर इसको मेंटेन करना बहुत इजी है, क्योंकि जो ओपन स्विमिंग पूल होता है उसके अंदर मिट्टी वगैरह, आंधी से पत्ते वगैरह आ जाते हैं, तो उसे जो साफ सुथराई करना बहुत मुश्किल है, उसकी क्लीनलीनेस इतनी ईजीली नहीं है। तो ये एक बहुत अच्छा एक स्विमिंग पूल इन हाउस हमें मिल जाता है। यहाँ पर ब्यूटीफुल फॉल सीलिंग, यहाँ पर लाइट्स ही ऑफ लग रही हैं, मुझे इसे ऑन करके देखता हूँ। ओके, ये लाइट्स ऑन हो गई। अब देखिए इसका व्यू 360। ओके, स्टार लाइट्स देखें कितनी प्यारी है, 5 ब्लेड्स फैन, फैंसी द लाइट्स है। इधर से आप स्विमिंग पूल को देखें, ये इंपोर्टेड वॉलपेपर सारा यूज़ किया गया है। ये साइड पे कोई जगह होगी जाने की, इसको देख लूँ मैं खोल के। ओके ठीक है। ओके, ये साइड गली है। अच्छा, ये इस तरह से साइड गली मुझे मिल जाती है, ठीक है। हाफ बेसमेंट है, तो बैक साइड पे लॉन्ड्री एरिया भी मुझे नज़र आ रहा है। ज़बरदस्त, ये बहुत अच्छा यूटिलाइज किया हुआ है सीएनसी कटिंग के अंदर इन्होंने। यहाँ पर इसका ये सारा ये बनाया हुआ है, सॉरी इसको गेट कहेंगे, और ये डोर एरिया है। यहाँ से इसका ये 360 व्यू, व्यूअर्स आप भी इंजॉय कर रहे होंगे, बहुत ज़बरदस्त। यहाँ पर एक सिटिंग एरिया है घर के अंदर ही, ये क्या सामने है। ओके व्यूअर्स, एक और ज़बरदस्त फीचर कि हमें यहाँ पर वेट बार काउंटर मिल जाता है। यार कमाल, जबरदस्त, अगेन कैनवुड का ये कैबिनेट। यहां पर अगर बाहर से ही किसी ने आना हो तो ये मेरे ख्याल से ये उसकी बाहर से एग्जिट एंट्रेंस है, ये मेरे ख्याल से इधर से नहीं खुल रही, लॉक है या क्या मसला है। तो यानी कि बारो बार जिसने आना हो तो वो इजीली आ सकता है। वेट बार काउंटर के साथ भी मुझे अंदर से भी मैं दिखा देता हूँ आपको एक दफा। यार जबरदस्त, टोटली वेस्टर्न कलर लग रहे हैं अभी तक मुझे। यहाँ पर आप बहुत सारी बॉटल्स रख सकते हैं, जूसेस रख सकते हैं, और इसके साथ हाई क्वालिटी हार्डवेयर हैंडल्स, और अगेन फिर स्टोरेज एरिया। अच्छा, कोई जगह छोड़ी नहीं है नेगेटिव स्पेस के लिए। हैंगिंग लाइट्स, ब्यूटीफुल शैंडलियर, 2 5 ब्लेड्स फैन मिल गए व्यूअर्स आपको यहाँ पर, कैबिनेट एसी मिल गया, इंडोर ही, घर से बाहर जाने को तो किसी का दिल ही नहीं करेगा, यहाँ पर तो सब कुछ अवेलेबल है भाई। ओके, जिम मिल गया, और ये क्या है, तेरी खैर व्यूअर्स, आ चुके हैं हम इसके होम थिएटर में, जो कि मुझे पहले था कि जी ये ज़बरदस्त। अब मेरी वॉइस क्वालिटी थोड़ी सी चेंज हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पर टोटली फोमिंग पैनल नज़र आ रहे हैं मुझे, ये देखें, बहुत अच्छे फिनिशेस के साथ फोमिंग पैनल है, ब्यूटीफुल फॉल सीलिंग, 2 3 ब्लेड्स फैन, ये एप्सन का होगा जी, बिल्कुल एप्सन का, ये इसका प्रोजेक्टर है, ये इस तरह से इसके सोफ़ाज है, सिटिंग एरिया यहाँ पर रेड है, ये सामने इसकी मीडिया वॉल, और यहाँ से मैं आपको इसका एक 360 व्यू दे देता हूँ, ये देखिए इन हाउस होम थिएटर, बहुत ज़बरदस्त, वेरी प्रैक्टिकल, कैनवुड का यहाँ पर हमें इन्वर्टर एसी मिल जाता है, सीएनसी कटिंग के अंदर डोर्स के ऊपर भी, यानी कि इस साइड से फॉर्मिंग पैनल लगे हुए हैं ये देखिए, और फ्रंट साइड से सीएनसी कटिंग के अंदर ग्लास डोर के साथ ये सारा, ये डोर काफ़ी हैवी हो गया होगा, हाँ बहुत हैवी है ये तो, ये देखें, ये मोर देन 2 इंच थिकनेस मुझे डोर लग रहे हैं।
और काफ़ी हैवी हैं। यहाँ पर भी टोटली मुझे टाइल फ्लोरिंग ही नज़र आ रही है व्यूअर्स। और अब इसका रूफ टॉप रह गया है जहाँ से हमें व्यू मिलता है, वो मैं आपको दिखाता हूँ। सो फॉर व्यूअर्स, बल्कि ये क्या है, अगेन बेडरूम यार। व्यूअर्स मैं दिखाता दिखाता तो नहीं थका, आप भी नहीं थके होंगे देखते देखते। अगेन बेडरूम, ह्यूज बेडरूम, मीडिया वॉल, बैक साइड से इसका एंट्रेंस एग्जिट भी हो सकता है क्योंकि ह्यूज विंडो पैनल है, ठीक है जी, और डबल ग्लेज विंडो है। डिफरेंट स्टाइल ऑफ फॉल सीलिंग, यानी कि इट कैन बी यूज एज अ गेस्ट बेडरूम और इट्स अप टू यू योर रिक्वायरमेंट। और ये मीडिया वॉल आ गई मेरे पास यहाँ, और इसका आ गया अच्छा जी अटैच वॉशरूम, डबल इसके सिंक के साथ इसका वैनिटी, थर्ड जकूजी। वाओ व्यूअर्स, दिस डिमांड इज, ये जस्टिफाइंग है, ये वाकई जस्टिफाइंग है। मैं आपको डिमांड इसकी ज़रूर रिवील करूँगा। रेन शावर और अगेन निगोशिएबल है, तो ये इसका 360 व्यू। यहाँ पर डिफरेंट स्टाइल में, डिफरेंट डिज़ाइन के अंदर पेपर लगा हुआ है। होम डेक्योर, होम इंटीरियर इज टू गुड टू बी ट्रू इन दिस हाउस एज पर माई एक्सपीरियंस। ये इसको मैं लाइट ऑन करके आपको दिखा देता हूँ। टोटली कंसील्ड फिटिंग्स हैं गोल्डन और वाइट के अंदर, ये सैनिटरी फिटिंग्स हैं, हाई क्वालिटी इंपोर्टेड बाउल्स लग रहे हैं सो फार मुझे। अंदर कैबिनेट्स मिल जाती हैं, अगेन यहाँ पर भी इलेक्ट्रिक फायरप्लेस है, लेकिन ग्रे के अंदर यहाँ पर टाइल फ्लोरिंग है। ओके, एक इसका टेरेस एरिया देखना बाकी रह गया व्यूअर्स, और दूसरा इसका, इस घर में हमने रूफ टॉप देखनी है, तो वो देखते हैं। सीलिंग बहुत अच्छी है, ज़बरदस्त। व्यूअर्स जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो कर लें, और वीडियो को शेयर ज़रूर करें ताकि आपको हमारी आने वाली नोटिफिकेशन मिल सके, अगर आप इस तरह की और खूबसूरत घर देखना चाहते हैं। अब चलते हैं इसके रूफ टॉप की तरफ। व्यूअर्स आ चुके हैं हम इसकी रूफ टॉप पे। वाओ, आ गया वो शाहकार जिसका था इंतज़ार। व्यूअर्स व्यू चेक करें, ज़बरदस्त कमाल व्यू है, हाइटेड लोकेशन है, ऑलमोस्ट साथ वाले घर से भी आप नोट करें तो थोड़ा सा हम तकरीबन 2-3 फीट ऊपर ही हैं, यानी कि इस घर का थोड़ा सा 3 फीट की हाइट ज़्यादा है नॉर्मल से। CNC कटिंग के अंदर यहाँ पर रेलिंग है, ऑलमोस्ट 4.5 फुट हाइट इसकी मुझे लग रही है ये जो रेलिंग है। यहाँ पर जो सोलर पैनल आपको नज़र आ रहे हैं वो सोलर की वायरिंग इस घर में भी हुई हुई है। और यार कमाल, ये क्या है, किचन एरिया मिल जाता है सर्विस के लिए, बॉनफायर एरिया मिल रहा है, और सिटिंग प्लेस मिल रही है, और अगेन ह्यूज बॉनफायर एरिया, और फ्लोर के ऊपर चिप्स का काम है नज़र आ रहा मुझे, ज़बरदस्त। व्यूअर्स बहुत अच्छे डिज़ाइन एस्थेटिक्स हैं सो फॉर। ये सर्वेंट रूम है विद अटैच वॉशरूम होगा उस साइड पे, और वो सामने मुझे यहाँ से एक पेट एरिया नज़र आ रहा है, वाटर टैंक, प्रेशर मोटर नज़र आ गई। व्यूअर्स एक दफ़ा दोबारा मैं आपको व्यू दिखाना चाहूँगा, हाइट लोकेशन चेक करें, फॉरएवर व्यू। सनसेट का व्यू है इस टाइम पे जो आप देख रहे हैं, यानी कि सनराइज आप डेली अपने बेडरूम से जो इस साइड पे है बैक साइड के ऊपर और रूफ टॉप से तो इंजॉय कर ही सकते हैं, यानी कि रोज़ आप सनराइज और सनसेट इंजॉय कर सकते हैं। वो सामने मुझे खूबसूरत सा चाँद नज़र आ रहा है, फुल मून है, और इस साइड से ये सिटिंग प्लेस को देख लेते हैं। यहाँ पर टाइल्स हैं इंस्टॉल हुई हुई और लाइट्स अभी यहाँ पर ऑफ है, आई थिंक, आई डोंट नो बटन कहाँ पर है इनके। और ये बॉन फायर प्लेस मिल जाती है हमें रूफ टॉप के ऊपर, एसी के आउटर्स लगे हुए हैं। सो फॉर वेरी ह्यूज सर्कुलेशन एरिया, बहुत अच्छा पूरा डिज़ाइन किया गया है। ये बैक साइड पर वॉशरूम है, ये पेट केज एरिया मिल जाता है, यहाँ पर हमें प्लांटर्स मिल जाते हैं, और अगेन अच्छा ये भी है यहाँ पर, अगेन यहाँ पर हाइटेड फिर सिटिंग प्लेस है। तो व्यूअर्स ये इसका फ्रंट साइड से व्यू है, आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा, एलस्ट्रेशन हो जाएगी कि ये घर किस तरह से एग्जिस्ट कर रहा है, और इसकी सारी चीज़ें डिज़ाइन एस्थेटिक्स, होम डेकोर, इंटीरियर डिज़ाइनिंग बहुत कमाल की है। सो अंदर से ही सर्वेंट के आने का रास्ता था, मुझे स्पायरल स्टेयर्स अभी तक कहीं पर नज़र नहीं आई, विच मीन्स कि सर्वेंट्स अंदर से ही आए जाएंगे। सो बाकी सब कुछ बहुत अच्छा है, और सो फॉर अब मैं आपको इसके जितने भी फीचर्स हैं एज़ यूजुअल मैं दोबारा वन गो में रिपीट कर देता हूं, और यहां पर ये दिखा देता हूं कि ये भी एक 2% की सिटिंग प्लेस है। यहां पर आप अपना कप ऑफ टी और अ कॉफ़ी इंजॉय करें विद बॉनफायर रात को, ज़बरदस्त विद द व्यू, फॉर एवर व्यू।
ठीक है जी। इट्स अ ट्रिपल स्टोरी अल्ट्रा मॉडर्न सेमी फर्निश्ड हाउस फॉर सेल इन बैरियट ऑन इस्लामाबाद, 6 लग्जेरियस बेडरूम्स विद अटैच 6 लग्जेरियस डिजाइनर बाथरूम्स, 6 कार पार्किंग, 55x98 प्लॉट साइज, हाइट लोकेशन विद फॉरएवर व्यू, 8 सीसीटीवी कैमरा, 65 एंड 55 इंच एलईडी टीवी, 13 इन्वर्टर एसी विद 2 कैबिनेट एसीज एंड सोलर वायरिंग प्री इंस्टॉल्ड, जिम, सोना, स्विमिंग पूल एंड वेट बार काउंटर विद इंडोर होम थिएटर, सॉलिड एश वुडन डोर्स एंड टोटली 3x6 ह्यूज साइज एक्सपेंसिव इंपोर्टेड टाइल फ्लोरिंग। डिमांड ऑफ दिस ब्यूटीफुल लग्जेरियस हाउस इज 18 crore 50 lakh रुपीज विच इज निगोशिएबल। जो व्यूअर्स इस खूबसूरत डिजाइनर हाउस को खरीदना या विजिट करना चाहते हैं वो स्क्रीन पे नीचे दिए गए नंबर पे हमें कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें ताकि किसी जरूरतमंद तक ये खूबसूरत डिजाइनर हाउस पहुँच सके। अगर आप इस जैसे और घरों की वीडियोज़ में इंटरेस्टेड हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। नाइट विजन इस घर का बहुत बहुत ज़बरदस्त है जो मैंने इसी वीडियो के एंड में ऐड कर दिया है। अपना और अपने गिर्दोनवा का ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं एक नए यूनिक हाउस टूर के साथ। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।